हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और मैं हूँ बहुत बढ़िया। और मुझे मेरी बेटी थका रही है डांस करवा करवा के, क्योंकि हमारी डांस क्लास है छुट्टियों में। यस तो हम डांस कर रहे थे, है ना दीबू? हाँ, अभी एक और डांस करेंगे हम। सो गाइस, थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी क्या, टाइम से आ गई थी आज मैं ऑफिस से, तो थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ दीबू के साथ। सो इसी के साथ ये व्लॉग अब मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ पहले दिव्या के साथ। गाइज एक्चुअली जल्दी भी आ गई हूँ और खाना भी बनाना है, तो फिलहाल पहले बना लेते हैं चाय, क्योंकि मुझे एक रिलैक्स मिल जाएगा। तो एक बढ़िया सी फर्स्ट क्लास अदरक वाली चाय और दीबू के लिए फर्स्ट क्लास दूध बनाते हैं और फिर हम पीते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे डिनर और तब तक आ जाएंगे दीबू के पापा। राइट right? चलो गाइज, चाय रेडी है हमारी। चाय तो अभी हम पीते हैं चाय और उतारती हूँ मैं थोड़ी सी थकान। एक्चुअली मैं थोड़ी चॉपिंग वगैरह करके आई हूँ। मैं बना रही हूँ मटन करी आज, है ना? मेरी दीपू को बहुत पसंद है और जो मटन करी है वो बहुत स्पेशल स्टाइल में होने वाली है, मेरे पापा के स्टाइल में, जैसे मेरे पापा बनाते थे, मेरे मायके में बनता था। यहाँ के मैंने सबके हिसाब से, वैसे जैसे खाने लगे सब उस हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, बट आज ट्राई करूँगी पापा जैसे बनाते हैं मेरे उस हिसाब से, तो आप लोग के साथ सबको शेयर करूँगी। पर फिलहाल मैंने अभी प्याज व्याज चॉपिंग कर दी है और पूरी रेसिपी देखना, पूरी रेसिपी आपको दिखाऊँगी। तब तक पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद। बहुत अच्छा बनता है चिकन मटन। मटन इसको चिकन मटन में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। नानू का बहुत अच्छा, मैंने एक दिन खाया था, एक दिन खाया था। तो नानू के हाथ का मटन चिकन बहुत अच्छा लगा, तो अब की बार मुझे बनाना है नानू जैसा। हाँ, एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नानू जैसा। ओके लेट्स सी कैसा बनता है। हम आ गए हैं अपनी किचन में और ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ। सो गाइस, पहले सबसे पहले मटन को मैं विसल लगाऊंगी, बॉईल करूंगी, तो देखो आधी किलो मटन है ये, मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और अब इसमें जाएगा हल्का सा नमक, आपके ऊपर है आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहते हो मत डालो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, अब हम इसको लगा देंगे सिटी और 2, 3 या 4 सिटी में हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो मैं 3 लगाऊंगी और बाकी थोड़ा भुनने में भी मटन पक जाता है, तो 3 विसल लगा दूंगी इसमें मटन में। ओके चलिए, तो इसको हम गैस पे बैठा देते हैं। हम करेंगे टमाटर, मैंने बॉईल करे थे, इसको छील लेंगे, इसको मैं छील लूंगी, ठंडे हो गए, मैंने बॉईल करके थोड़ा सा निकाल के थोड़ी देर छोड़ दिया इसको ठंडे होने के लिए।바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가. चलिए तो अब टमाटर को मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। सो अब हम
अपने प्याज को भी हमें फ्राई करना है, बट वो ऐसे फ्राई नहीं होगा। कैसे फ्राई होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक हम मिक्सी को यहीं रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी प्याज के लिए। सो गाइस देखिए ये बॉईल हो गया है, मैं आपको एक पीस निकाल के इसका दिखाती हूँ। ये देखो मस्त है ना, गल भी गया है। अब क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे, और बट इसका जो पानी है वो नहीं फेंकेंगे हम, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। भाप आ गई, सॉरी। हम अच्छे से इसका करी में इस्तेमाल करेंगे इसका पानी। तब तक इसको निकाल लेते हैं और आगे ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में लगते हैं। सो गाइस ये रही प्याज, ये रही लहसुन अदरक। प्याज बहुत ज्यादा मैंने बारीक नहीं है करी है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं करी है, मीडियम मीडियम साइज की लंबी लंबी स्लाइसेस काटे हैं। ये लहसुन अदरक है इसको भी रफली चॉप किया है। तो चलिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल का सो गाइस इसमें थोड़े से हम खड़े मसाले डालेंगे। ये मेरे गरम मसाले वाले खड़े मसाले हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, एक मोटी इलायची, जीरा, लौंग, ये सब है, तेज पत्ता पता नहीं खा रखा है। अब इसमें डालेंगे सारा सामान, अच्छे से इसको भूनेंगे। अब ये देखो आप, मेरा प्याज अच्छे से भुन गया है, देखो कितना प्यारा रंग आ गया है। अब मैं क्या करूंगी अब आप देखो, ये प्याज आधी प्याज का इसे मैंने निकाल लिया है, और आधी प्याज अब देखो कुकर में पक रही है, तो मैं जो आधी प्याज है ना इसको मिक्सी में पीस लूंगी। ये पीस दिया। सो गाइस अब इसमें जो मतलब हमारी बेसिक चार मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, बस बेसिक वो चार मसाले इसमें डालेंगे। मैंने क्या किया है अभी कुछ भी नहीं डाला है, आधी प्याज जो उसमें भून रही थी आधी प्याज पीस दी है, जो भुनी हुई प्याज है उसी में ही सारे मसाले में डाल रही हूँ, और उसके बाद में मैं ग्रेवी वाला जो मैंने पीस कर बनाया है उसको मिलाऊंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन मसाला। बेसिकली मैं बना मटन रही हूँ लेकिन चिकन मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मटन मसाला मेरे पास नहीं था और मैंने मंगवाना भी भूल गई, तो चिकन मसाला रखा था। दोनों सेम ही काम करता है, मैंने चिकन मसाला डाल दिया इसमें। अब आई एम सॉरी गाइज, मेरा ना कैमरे का स्टैंड साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए मुझे ऐसे शूट एक हाथ से शूट एक हाथ से बनाना पड़ रहा है। यहाँ मैंने जो टमाटर बॉईल करके पीसे थे उसको डाल लेंगे। अब बस सबको मिक्स कर देंगे एक दूसरे से। अब ज़्यादा कुछ काम नहीं रह जाएगा, सिर्फ मसाले को भूनने का। जितना अच्छा ये भूनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हम अपने जो मटन है जो हमने बॉईल करके रखा है, खाली मटन उसका पानी नहीं, मटन को इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सॉरी पीछे थोड़ा शूट रुक गया, चिकन मैंने डाल दिया है, फोन मेरा साथ नहीं दे रहा ना, चिकन मैंने डाल दिया है और मैं इसको भून रही हूँ। और तब तक टिल इसमें सिर्फ सारा खेल अब सिर्फ मसाले भूनने का है, भूनते रहो जब तक अच्छे से तेल ना छोड़ दे मसाला। ये देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, बट स्टिल अभी और भुनेगा, बहुत भुनेगा। और जो हमने उबाला था वो वाला पानी ये था, जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो ये करी लगाऊंगी। मटन इज रेडी गाइज, विसल आ गई है, दो तीन विसल आ गई है। यहाँ पर ये चावल बन रहे हैं बॉइल्ड राइस, और मटन चावल का तो कॉम्बिनेशन ही जबर है, खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्या कहते हो, है ना। मतलब मैं ना प्योर वेजिटेरियन हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं खाती, पर बचपन से सबको खाता ही देखा है मैंने, मेरे घर में सारे नॉन वेजिटेरियन है। नमस्कार।
अभी समाचार चालू होने वाले हैं क्या? आज बहन ने याद किया तो हम आ गए। हाँ तो भाई आए हुए मेरे बड़े भैया। अच्छा भैया सबको बताओ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ वेजिटेरियन हूँ? ये एक्चुअली वेजिटेरियन है और अब चूंकि सरकमस्टांसेस होते हैं हर किसी के साथ तो वो इसके साथ भी हुए तो ये भी अपना मतलब बाकी आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। तो वेजिटेरियन हूँ भाई पापा प्योर नॉन वेजिटेरियन है, प्योर वाले नॉन वेजिटेरियन मतलब बहुत धासु वाले वेजिटेरियन होते हैं ना। मतलब हम लोगों का देखिए ये हिसाब किताब है कि हम लोग शुद्ध मांसाहारी हैं, हम में कोई मिलावट नहीं है। और शादी होकर आई तो यहाँ पर भी मुझे शुद्ध मांसाहारी लोग मिले। मेरी मदर इन लॉ दीपक जी सब खाते हैं। पीछे से दिव्या बोल रही है, दिव्या तो दिव्या भी। तो मेरा ये रहा कि मम्मी तो थे नहीं, मम्मी के सामने जब बंदा था तब तो मैं घर में खाना भी नहीं खाती थी। एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरी मम्मी थी और वो चिकन वगैरह बनाते थे तो उस दिन मैं रात को खाना भी नहीं खाती थी घर में, मैं नहीं खाऊंगी। एक सर्कमस्टेंसेस आए, मम्मी नहीं रही, फिर कितने दिन तक सब पापा बनाते या भाई बनाता या वो लोग खाते। धीरे धीरे मैंने हाथ में चीज़ें ली, मैंने बनाना शुरू किया और बनाना सीखा। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ये लोग शौक से खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, इन्हें पसंद आता है, मुझे बनाना अच्छा लगता है, मैं सबको खिलाती हूँ, मुझे मज़ा आ जाता है बनाने में। अब मुझे कोई परहेज भी नहीं होता बनाने में, है ना? क्यों मिस्टर सिन्हा क्या बोलते हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाती है, सब कुछ अच्छा बनाती है ये। देख लो क्या बोल रहे हैं, मैं बेवकूफ रहती हूँ। राइस बॉइल्ड राइस रेडी है, टन टन। क्या कहते हो? इस टाइम शूट कर रहे हैं दीपक सिन्हा, मिस्टर माय हस्बैंड मिस्टर अभी। ये देखो अद्भुत बेहतरीन सही बना है। तो दीदी ने जो ये मटन बनाया है, मैं दीदी कब से हो गई? हाँ मतलब बहन बड़ी हो जाती है जब घर परिवार संभाल लेती है, लेकिन वो सब चीजें बात की बात है, लेकिन जो मटन बना है मिस्टर सिन्हा आप भी कुछ बोल दो। बहुत बढ़िया, चलो खाना अच्छा बन जाए तो बनाने वाले की मेहनत सफल हो जाती है। तो मेरी मेहनत सफल हो गई, सबको बहुत पसंद आया। लास्ट ये लोग खाना खा रहे हैं, मैं तो खाना खा चुकी हूँ। मैंने बनाई थी करेले की सब्जी, भरवा करेला सुबह नाश्ते के लंच के लिए बनाया था, वो ही करेले मैं रख के चली गई थी अपना, क्योंकि मुझे पता था ये लोग नॉन वेज खाएंगे, तो मैंने तो उससे रोटी खा ली थी। अब लोग खाना खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत मस्त बना है। सो गाइज डू ट्राई एट योर होम। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज लवर देन आप ऐसे इस मेथड को भी बना सकते हो, बनाने का ट्राई कर सकते हो। मेरा तो ट्राई बहुत अच्छा निकला, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना है। डू ट्राई एट योर होम। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया, मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो गाइज। प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Like and subscribe and share and share too.